हेलो गाइस, मैं तो स्वागत है फ्री कमल के नया फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों आज मैं आपको पेटीएम के दो न्यू यूपीआई ऑफर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों फिर से पेटीएम ने अब यूपीआई ऑफर्स देना चालू कर दिया है, लगातार एक के बाद एक यूपीआई ऑफर्स आपको दे रहा है। लेकिन दोस्तों आज का जो यूपीआई ऑफर्स है, दो यूपीआई ऑफर, उसमें कुछ लोगों को तो दोस्तों वो ऑफर पसंद आ सकते हैं, लेकिन कुछ को दोस्तों वो ऑफर बिल्कुल बेकार लगेंगे। 50-50 हो सकता है दोस्तों, अपनी अपनी राय है। तो बने रहिए, इस वीडियो के सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो दो यूपीआई ऑफर्स आए हैं उनमें से दोस्तों आपका कोई एक ही ऑफर आपके अकाउंट में शो होगा। अगर आपके में एक हो रहा है शो, तो दूसरा वाला आपके में शो नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा आपके अकाउंट में कौन सा शो कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम 15-10 यूपीआई ऑफर के बारे में। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले एक 40-10 और 30-10 पेटीएम ने यूपीआई ऑफर निकाला था, उसी तरीके से दोस्तों ये वाला ऑफर है। यहाँ पर बस आपको कैशबैक जो है वो कम कर दिया गया है। तो दोस्तों इस ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि अगर आप दोस्तों 250 रुपए के 10 ट्रांजेक्शन करते हैं किसी दूसरे पेटीएम एड्रेस पर, चाहे वो सेम हो चाहे अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 10 यूपीआई ट्रांजेक्शन करने होंगे किसी दूसरी पेटीएम यूपीआई आईडी पर, तो वहां पर आपको दोस्तों 15 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपने यूपीआई ऑफर को एक्टिवेट कर लेना और वहां पर आपको अपने दूसरी पेटीएम यूपीआई पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना है 250 रुपए का। अब दोस्तों ये जो ऑफर है इसको आप 250 बार यूज कर सकते हैं और जो ऑफर चलेगा दोस्तों वो 31 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता, अब 31 दिसंबर में अगर हम रोज भी एक बार इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 10 ट्रांजैक्शन मिलते हैं हमें रोज के, तो दोस्तों एक बार में हम एक दिन में एक ही ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम आज 14 नवंबर है दोस्तों, वहां से अगर हम 31 दिसंबर तक देखें तो 250 दिन तो दोस्तों हमारे बने ही नहीं। तो पेटीएम ने कैसे हमें 250 बार इसको अप्लाई करने को दे दिया, तो दोस्तों मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। कोई शायद पेटीएम हमें उल्लू बना रहा है, क्योंकि ये इस हिसाब से देख रहा है कि अगर हम 250 रुपए के 250 ट्रांजैक्शन देखते हैं तो दोस्तों 250 * ये मल्टीप्लाई करवा ले कैलकुलेशन करके, तो ये हमारी अर्निंग बता देगा कि आपकी अर्निंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें डेली के दोस्तों ओनली 10 ट्रांजैक्शन मिलते हैं यूपीआई के, तो 31 दिसंबर तक तो दोस्तों ये इम्पॉसिबल है 250 ट्रांजैक्शन करना। ऐसे ही दोस्तों ये जो दूसरा ऑफर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 20-10 यूपीआई ऑफर। ये भी ऑफर दोस्तों ज्यादा कोई खास नहीं है पेटीएम की तरफ से। यहां पर आपको दोस्तों 2500 रुपए के दोस्तों 10 ट्रांजैक्शन करने होंगे किसी दूसरी पेटीएम यूपीआई पर, तब जाकर दोस्तों आपको यहां पर 20 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यूपीआई आईडी दोस्तों आप सेम यूपीआई आईडी पर भी 10 बार भेज सकते हैं, अलग अलग पे भी भेज सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और दोस्तों इस ऑफर को भी आप 250 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफर की वैलिडिटी है वो दोस्तों 31 दिसंबर तक की ही दे रखी है। तो दोस्तों अगर हम 31 दिसंबर में ज्यादा दिन रह गए दोस्तों, एक डेढ़ महीना, तो एक डेढ़ महीने में दोस्तों हम इस ऑफर को 250 बार कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस पेटीएम हमें उल्लू बनाना चाह रहा है कि कैलकुलेशन करके, कि जिससे कि हमारी अर्निंग दिखाना चाह रहा है कि आपकी अर्निंग इतनी हो जाएगी, लेकिन असल में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं इन दोनों ऑफर्स को अप्लाई करना, तो आप अप्लाई जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कैशबैक तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है जब तक के लिए ऑफर चलेगा। वैसे भी दोस्तों पेटीएम 3-4 दिन के अंदर ऑफर को बंद ही कर देता है, चाहे वो कोई सा भी ऑफर लाए वो अपनी वैलिडिटी देखता ही नहीं है। तो बस दोस्तों ये थे आज के दो ऑफर्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियो सबसे पहले मिलती रहती है। तब तक के लिए देखते रहिए दोस्तों प्रिय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।